फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपका स्वागत आर्टिस्ट की दुनिया में एनएम व्लॉग में। सो नया व्लॉग स्टार्ट हो चुका है और मैं उठी हूँ आज 10 बजे। तो मैंने उठ के चाय पिया और मैंने घर के सभी काम कर लिए। अब बज रहे हैं एक बज रहे हैं और मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तो मैं जा रही हूँ सबसे पहले कुछ खाने। तो खाने में पहले हेल्दी खा लूँ, उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो हो गई है पेट पूजा, अब मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। तो आज मैंने सोचा है कि मैं अपना कंप्यूटर टेबल पे पेंटिंग सेटअप करूँगी। दिखाती हूँ कहाँ पे करती हूँ। ये है टेबल और यहाँ मैं पेंटिंग सेटअप करूँगी, क्योंकि आकिल आया है। तो आकिल अपना लैपटॉप वैपटॉप मेरे टेबल पे रखा है, तो वहाँ पे बहुत मिस हो गया। तो मैं अपना यहाँ लेकर आ जाऊँगी। वैसे मैं इसे थोड़ा चेंज कर दूँगी, टेम्प्रोरी है बस कुछ दिनों के लिए। और फ्रेंड्स, मैं आपको पिछले ब्लॉग में बताना भूल गए कि मेरे भाई की डेट फिक्सिंग कब हुई, कितनी तारीख को है हमारे भाई की शादी। तो मैं बता देती हूँ, 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के दिन है। और आप लोग को सारा ब्लॉग भी मिलेगा, हल्दी मेहंदी जो भी हमारे घर में रस्में होती हैं मैं ब्लॉग करूँगी और आप लोग को सब दिखाऊँगी। इंसान चाहे जितना भी काम कर ले, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। तो मैं इनको पहले इनकी जगह पर लगा लेती हूँ। हो गया है मेरा लंच, अब मैं जा रही हूँ पेंटिंग सेटअप करने। ओए म्यूजिक बंद कर, नहीं आएगा कॉपीराइट आ जाएगा। कॉपीराइट फ्री है। कॉपीराइट फ्री है, कैसे पूरा ले ले। तो बंद कर पहले, आ जाएगा कॉपीराइट पहले। मेरा कप है वो, क्या है ये सब? चश्मा है, बड़ी है, नहीं दिख रहा। अरे मेरा एयरफोन इधर। वाह 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 वाह, आ जाएगा कॉपीराइट? नहीं आएगा रे बाबा। चल मेरा एक साउंड बॉक्स था वहां पे पड़ा हुआ, मेरा पाउडर है वो। तब से ताज भाई ऑर्डर दिए हुए कि मेरा पेंट कर देना कवर में। नेक्स्ट टाइम बैक, पिछले बार गए थे, इस बार भी वही बोले कि क्या कर दियो तो कर ना। वहां भी ऐसा लगा देंगे, ठीक है थोड़ा सा। चल पहले सामान उठा ले, फिर इसको बाद में उठा लियो। ये सब नहीं, ले जा पीछे भी ये सामान। हाँ सब उठा ले, तारा हेल्प कर बाकी सामान। उठा और क्या क्या है वो कवर, ये थोड़ा सा तेरा ही है, ले जा उसको ले ले, फ्रेम और वो कवर ले ले। रहने दे ना, ऐसे भी निकलेगा कुछ दिन में। वहां लगाएगी ना, ये इसको तो लगा दे वहाँ। कितना मेहनत से किया देखो। चल ठीक है, यूट्यूब से देख के बनाया।
ये निकाल के वहाँ लगा देते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत रहना चाहिए। और भी है मेरे पास ऑप्शन। दोनों में से कौन बेचते हैं? ये वाला। ये कितने लोगों को समझ में नहीं आया कि ये क्या है? नींबू है, पानी में गिर रहा है, पानी में डूब रहा है, मतलब ऐसे गिराया गया तो स्प्लैश, समझा? उसका क्या होगा वहाँ, उस वाले रूम का सारा? वो सब थोड़ा सा तेरे लिए इम्पोर्टेंट लगेगा कि हाँ, मेरे लिए रहन दे भाई, मेरे को कैसे भी चलेगा। पेंटिंग करने के लिए मुझे कुछ आइडिया नहीं था कि मैं कैसे करूं, क्या करूं, तो मैंने, और मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे कि मैं किस चीज़ पे बनाती, मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पेपर लेती, खरीदती, इन्वेस्ट करती। तो मैंने क्या सोचा, मुझे करना तो था, तो मैं क्या करती थी, मैं वेडिंग कार्ड पे बनाती थी। वेडिंग कार्ड वैसे बहुत ठीक होता है, तो अच्छा बन जाता है। अच्छा देखिए, मैंने बनाया था वेडिंग कार्ड पे, वेडिंग कार्ड और जो कपड़ों में आते हैं कैटलॉग, कपड़ों में आते जो कैटलॉग में, उनका भी लेकर बनाती थी। देखिए मैं दिखाती हूँ, मुझे जहाँ भी वाइट पेज दिख जाता था मैं उसे उठा लेती थी। देखिए कपड़े की कैटलॉग, वेडिंग कार्ड ज़्यादातर मैंने वेडिंग कार्ड और कैटलॉग में ही बनाए हैं। कभी अच्छे बनते थे शुरुआत में, मैं तो बहुत ही ज़्यादा, पता नहीं, मुझे अभी भी यकीन नहीं होता कि मैंने बनाया ये सब पेंटिंग्स। आप लोग ही बताइए कैसा बना। देखिए एक ये है, ये मैं स्प्रिंग सीजन बनाना चाह रही थी। क्या बना है ये, देखिए क्या बना है, पता नहीं, जो बनाना चाह रही थी बना तो नहीं। वो बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, देखिए ये नाइस है। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, आपको क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता प्लीज़ कमेंट कीजिए, ताकि मैं समझ पाऊँ कि मुझे क्या करना है आगे जाके, मुझे कुछ आइडिया मिल सके। मैंने अब बहुत जाके थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट किया है, क्योंकि मुझे करना था, तो अब मुझे दिल करता, खुद करता था कि मैं भी पेपर पे बनाती। मैं देखती थी यूट्यूब इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगता था कि मैं भी लूँगी, तो अब मैं इन्वेस्ट करती हूँ। कोई भी मुझे पैसा देता मैं जमा करती हूँ, जमा करके मैं एक बार मंगाती हूँ। क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है। मैंने अपने घर में भी सबको बोल दिया, अगर किसी को मुझे गिफ्ट देना है तो वो पेंटिंग से रिलेटेड दे, पेंटिंग ब्रश दे, पेंटिंग पेंट्स दे, सब कुछ दे, मैं कुछ और एक्स्ट्रा नहीं मांगती। सब जानते कि मुझे पेंटिंग्स पसंद है, तो वो मुझे पेंटिंग दे, मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था इस मेरे इस बर्थडे पे, थैंक यू, अगर देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, बेस्ट गिफ्ट एवर। आप मेरे इंस्टाग्राम पे भी देख सकते हैं मेरा पोस्ट, मैंने इसमें डाला था, बहुत अच्छा लाइन्स भी लिखे थे। देखिए अब मैं इन्वेस्ट करती हूँ, देखिए मैंने मंगाया था ऑनलाइन, 100 रुपीज़ ट्यूब देता है ये, मेरे पास इतने सारे कलर्स बहुत है मेरे पास अब। रिसेंटली ब्रश भी मंगाया मैंने, मैं आपको पेंटिंग सेटअप करके दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या है। तब तक के लिए आपसे मिलती हूँ, पेंटिंग सेटअप करके दिखाती हूँ मैं कैसे सेटअप किया मैंने। मेरे बहुत सारे पेंटिंग्स हैं, पेंटिंग्स बुक है, जब मैं कॉपी में करती थी इसमें दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए ये सब मेरे पेंटिंग से पुराने सारे मैंने बनाए हैं, ये पेपर्स है इसके, इसमें कम से कम 15 पीस होंगे, 15 पीस पे मैंने एक पेंटिंग किया है। सो गाइस हो गया है मेरा पेंटिंग सेटअप, मैं आपको दिखाती हूँ।
मेरे मैंने पूरा वॉल को अपनी पेंटिंग से भर दी है। सो ये टेबल, मेरे पुराने पेंटिंग्स बुक, अभी रिसेंट की मेरा ट्राईपॉड स्टैंड, मेरे कॉपी, थोड़ा ग्रीनरी, तो आपको मेरा पेंटिंग सेटअप कैसा लगा और आपको इन मेरी सभी पेंटिंगों में से कौन सी पेंटिंग्स अच्छी लगी प्लीज़ कमेंट करें। सो मैं अब करने जा रही हूँ अपने ब्लॉग का एंड, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली और मेरी वीडियोज़ देखते रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।